आज हम क्लास 10 का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अगला पार्ट उसका स्टडी करेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें और इस टॉपिक का अभ्यास करें। इससे पहले अपन जो है इसके तीन पार्ट स्टडी कर चुके हैं। इसका जो पहला पार्ट था वो सिंपल फॉर्मूलेज और संख्याओं से संबंधित प्रश्न वाला था। दूसरे पार्ट में पासे से संबंधित प्रश्न थे और तीसरे पार्ट में कॉइन्स सिक्कों से संबंधित प्रश्न थे। अब अगला जो आज जो हम स्टडी करेंगे यह है पार्ट टास्क के पत्तों पर आधारित प्रायिकता में पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार से हल करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रायिकता के अगले पार्ट को। प्रोबेबिलिटी इसमें जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वो ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न होंगे। ताश के पत्ते प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उस पर आधारित प्रश्न। इसमें थोड़ा सा जनरल आपको ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान ताश के पत्तों का। यहाँ देखिए क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 यानी चार प्रकार, चार पत्ते का प्रकार, ये पत्ते का प्रकार है चार। या रंग का जिक्र है या फेस कार्ड यानी ऐसे कार्ड जिस पर फेस लगा हुआ है या तस्वीर लगी हुई है। ये नॉन फेस कार्ड जिस पर फेस या तस्वीर नहीं लगी हुई है। इनके कुल कितने पत्ते हैं वो और इसकी आकृति कैसे होती है इससे खैर कोई मतलब नहीं है। वैसे आपको ध्यान रखना पत्ते का प्रकार। तो पत्ते कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक ईंट, लाल पान, हुकुम और चीड़ी, ये चार प्रकार के पत्ते होते हैं। ईंट और लाल पान के पत्तों का रंग लाल होता है, ये रंग लिखा हुआ लाल। तो लाल ये दो प्रकार के पत्ते जो है उनका रंग लाल होगा और हुकुम और चीड़ी के जो पत्ते हैं उनका रंग कैसा रंग होता है? काला रंग। अब हम ईंट के पत्तों की बात करें तो फेस वाले कार्ड जिससे तस्वीर लगी होती है उसमें तीन पत्ते होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाब। बादशाह, बेगम और गुलाब। नॉन फेस वाले कार्ड 10 होते हैं, तीन पत्ते ये और 10 पत्ते ये मिलकर के कुल 13 पत्ते होते हैं, यानी ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। इसी तरह लाल पान की बात करें तो लाल रंग लाल होता है, इसमें भी तीन पत्ते बादशाह, बेगम और गुलाम फेस वाले पत्ते होते हैं, 10 नॉन फेस वाले पत्ते, कुल पत्ते इसमें भी कितने होते हैं? 13। फिर अपन हुकुम की बात करते हैं तो हुकुम का जो पत्ता होता है वो काले रंग का होता है, इसमें भी तीन फेस वाले पत्ते होते हैं, वही बादशाह, बेगम और गुलाम, 10 नॉन फेस वाले पत्ते होते हैं, 10 और 3, 13 इसमें कुल पत्ते होते हैं। इसी प्रकार चीड़ी का जो पत्ता होता है वो भी काले रंग का होता है, फेस वाले पत्ते इसमें भी तीन होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, 10 पत्ते दूसरे होते हैं, 10 और 3 कुल 13 पत्ते होते हैं। तो ये था, तो इसको इसका जो ज्ञान है आपको होना चाहिए कि ईंट में कितने पत्ते होते हैं? कुल 13 पत्ते होते हैं, जिसमें से तीन पत्ते जो है वो फेस वाले होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाब। 10 पत्ते जो इक्का, दुई, तीरी, चौकी, पंजी, सत्ती, अट्ठी, नवी, दसी यानी एक से लगाकर 10 तक के कार्ड दूसरे होते हैं, जिस पर कोई फेस नहीं होता, कोई तस्वीर नहीं होता, 1 से 10 तक। और ये तीन पत्ते जो है फेस वाले होते हैं। अगर ईंट के पत्तों की बात करें तो 13, लाल पान की 13, गुम के भी 13 और चिड़ी के भी 13। लेकिन यदि वो लाल रंग की बात करें तो फिर ये दोनों पत्ते आ जाएंगे उसमें, ईंट और लाल पान, ये दोनों ही पत्ते लाल रंग के होते हैं, इसमें इक्वल पत्ते कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। इसी तरह हुकुम और चिड़ी यानी काले रंग की बात करें तो हुकुम और चिड़ी दोनों पत्ते साथ हो जाएंगे, तो कितने पत्ते हो जाएंगे? 26। तब कुछ स्थितियां बदल जाएगी, जैसे लाल रंग की बात करता है तो फेस वाले पत्ते 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। बिना फेस वाले कितने हो जाएंगे? 20।
कुल पत्ते कितने हो जाएंगे 26। इसी तरह काले की बात करें तो भैंस वाले पत्ते कितने हो जाएंगे 6। कैसे? हुक्म के 3 पत्ते और 3 पत्ते चिड़ी के। नॉन फेस वाले के पत्ते कितने हो जाएंगे 20 और कुल पत्ते हो जाएंगे 26। और पूरी जो ताश की गड्डी होती है उसके अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं 52। ये हो गए पत्तों का प्रकार। ये हो गए कुल ताश में 2 रंग होते हैं, एक लाल रंग होता है दूसरा काला। फेस के कार्ड जो होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, तीन तीन पत्ते सभी प्रकार के पत्तों में पाए जाते हैं। और नॉन फेस वाले कार्ड 40 होते हैं, 40 और 12 कितने हो गए 52। ताश की पूरी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हो गए 13 चौक 52। 4 प्रकार, 13 प्रत्येक के पत्ते, 13 चौक 52। अब प्रश्न, ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है। ताश के 52 पत्तों की कितने पत्ते हैं ताश की गड्डी में 52। ये 52 की जगह आपको अकेले रंग का भी कह सकता है, जैसे ईंट, या आप कहते चीड़ी के पत्तों की गड्डी, लेकिन यह कह रहा ताश के 52 पत्तों की गड्डी, तो पूरी गड्डी आ गई, उसको अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर यादृच्छ यानी रैंडमली बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह हो या हुकुम का पत्ता हो, ईंट का फेस कार्ड हो, लाल पान का इक्का हो, चिड़ी का बेगम हो, या अलग अलग प्रश्न पूछे। इससे भी इसके अलावा भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अपन पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ ताश की पूरी गड्डी है, ताश के कितने पत्ते 52 पत्ते, तो ताश के कुल पत्ते कितने हो गए 52। तो कुल संभावित परिणाम जो होते हैं वो भी कितने हो जाएंगे 52। अब यह पहला जो प्रकार पूछा, लाल रंग का बादशाह, तो यह लाल रंग का बादशाह है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो लाल रंग, यहाँ लाल पान नहीं कह रहा है, लाल पान अगर कहता है तो लाल पान ये हुआ, लेकिन लाल रंग की बात कर रहा है तो ईंट भी आएगा और लाल पान भी आएगा, बादशाह इसमें भी है एक और एक बादशाह इसमें भी है। तो लाल रंग का, यहाँ पर बात चल रही लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम, तो ईंट का बादशाह भी लाल रंग का होता है और लाल पान का बादशाह भी लाल रंग का होता है, इसके कितने पत्ते हो गए 2 पत्ते हो गए। तो प्रायिकता भी लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 2 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं इसके 52, 2/52। तो इसका अंतिम परिणाम क्या आ जाएगा 1/26, 2 एकम 2 26 2 52। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, लाल रंग और लाल पान को क्लियर कर लेना। लाल रंग का मतलब है ईंट के पत्ते भी लाल रंग के होते हैं और लाल पान के पत्ते भी लाल रंग के होते हैं। अगर ये कहता लाल पान का बादशाह तो वो एक ही होता, लेकिन यहाँ लाल रंग है तो ईंट का बादशाह भी इसमें आएगा और लाल पान का भी आएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ कह रहा हुकुम का पत्ता हो, यानी अब आपको जो प्रायिकता ज्ञात करनी वो ज्ञात करनी है हुकुम के पत्ते से संबंधित, तो हुकुम के पत्ते के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर हुकुम के पत्ते का ये नहीं बोला कौन सा पत्ता, हुकुम का बादशाह, हुकुम का बेगम, हुकुम का गुलाम, या हुकुम का इक्का, या हुकुम की दैला, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के तो सारे पत्ते आएंगे, और सभी पत्ते कितने पत्ते होते हैं हुकुम में 13 पत्ते, 3 फेस कार्ड और 10 नॉन फेस कार्ड। तो प्रायिकता पी, हुकुम के पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 13 और कुल संभावित परिणाम पूरी ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52। तो 13/52 इसका अंतिम परिणाम क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4। इसी तरह अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ईंट का फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणाम, यानी ईंट का फेस कार्ड हो इसकी प्रायिकता निकालनी, ईंट के फेस कार्ड की प्रायिकता। तो आपको बताया कि प्रत्येक प्रकार के, चाहे वो ईंट का हो, चाहे लाल पान हो, चाहे हुकुम हो या चिड़ी हो, उसमें फेस कार्ड 3 ही होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो ईंट पर्टिकुलर प्रकार वो बोल दिया पत्ते का, उसके फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणाम, तो ईंट का फेस कार्ड क्या होगा, बादशाह, बेगम और गुलाम, कुल कितने पत्ते हैं अनुकूल परिणाम वाले 3। तो प्रायिकता पी, ईंट का फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम 3, कुल संभावित परिणाम 52। और ये किसी पहाड़े से कटते नहीं है, इसलिए 3/52 इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं,
लाल पान का इक्का होने के अनुकूल परिणाम। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ लाल पान, इन पत्तों के चार प्रकार जो होते हैं, एक लाल पान, हुकुम और चीड़ी। तो लाल पान अपने आप में एक अलग कलर है, अलग पत्ते हैं, जिसमें कुल कितने पत्ते होते हैं 13, उसमें से इक्का होने का अनुकूल परिणाम। पूरे किसी भी कलर में इक्का एक ही होता है। अगर ये लाल रंग का बोलता तो फिर इक्के दो हो जाते। कैसे हो जाते? लाल पान का इक्का और ईंट का इक्का, जो कि लाल रंग का होता वो भी। तो लाल पान का पूछा, लाल पान में इक्का एक ही होगा, तो उसका अनुकूल परिणाम है कि, तो प्रायिकता पी, लाल पान के इक्के की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम एक और कुल संभावित परिणाम 52। तो अंतिम परिणाम इसका यही रहेगा, 1/52। अब कह रहा काले रंग का गुलाम होने की प्रायिकता निकालनी है। तो काले रंग का गुलाम, अब वापस यहाँ पर काले रंग की बात हो रही है। काला रंग मतलब, आपको बताया ताश में दो तरह के पत्ते जो है काले रंग के होते हैं। हुकुम का पत्ता भी काले रंग का होता है और चिड़ी का पत्ता भी काले रंग का होता है। तो यहाँ गुलाम की बात कर रहा है। तो काले रंग के गुलाम में कौन कौन आएगा? हुकुम का गुलाम भी आएगा और चिड़ी का गुलाम भी आएगा। तो काले रंग के गुलाम के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। तो प्रायिकता क्या बनेगी? पी, प्रायिकता पी। काले रंग कि गुलाम की प्रायिकता निकालनी है, तो उसके अनुकूल परिणाम 2 है और कुल संभावित परिणाम 52 है। तो 2/52, 2 × 1 = 2, 26 × 2 = 9, यानी इसका अंतिम परिणाम क्या हो जाएगा? 1/26। अब आपसे कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिसमें ताश की पूरी गड्डी नहीं लेकर के ताश के कुछ चुनिंदा पत्ते काम में लेते हैं। जैसे यदि 5 पत्ते बेगम, गुलाम, इक्का, नबी, दसी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, 5 पत्ते बेगम, गुलाम, इक्का, नबी और दसी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, तो एक पत्ता याद रखिए, ये रेंडमली या बिना देखे निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो, 52 निकले। तो अपने पास कुल संभावित परिणाम में 5 पत्ते ही हैं। 5 पत्ते कौन से? बेगम है, गुलाम है, इक्का है, नबी और दसी है। तो इन 5 पत्तों में 52 नहीं है, तो 52 निकालने के अनुकूल परिणाम 0 होगा, यानी बादशाह नहीं, यह असंभव घटना है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इक्का, अब यहां में से आपसे प्रश्न पूछे, इक्का निकले, यानी कि 5 पत्ते थे बेगम, गुलाम, इक्का, नबी और दसी। तो इक्के होने, इक्का निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इक्का इस 5 के पत्तों में एक ही इक्का है, एक, और कुल संभावित पत्ते कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो 1/5 इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपको खुद को करना है। तो ये ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न थे। इसको वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से समझें। अगला जो टॉपिक है वो अपन शीघ्र ही अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।